हमारे TV11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। अब नाज़रीन TV11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद नन्ना पुन्नी नरेंद्र गारू। उन्होंने जो है आज हमारे लिए प्रेयर के लिए ये ग्राउंड का इंतजाम किया है, इसके लिए हम हमारे MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ముస్లింస్ వరంగల్ ముస్లింస్ కలిసి చేసింది, వాటర్ కొరకు రెయిన్ రాకుండా ఉండేవాళ్ళు, ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి వాళ్ళకు ఈ ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇన్ని జూన్ 15 వచ్చినా కూడా ఇంతవరకు ఈ వర్షాలు కురకపోయే వరకు అందరూ పరిశాలు ఉన్నారు, చెరువులు ఎండిపోయినాయి, బావులు ఎండిపోయినాయి. దీనివల్ల అందరు పరిశాలు ఉండే వరకు అందరు ముస్లింస్ కలిసి మా ఇస్లాంలో ఒకటి ఉంది, ప్రార్థన చేయడం వల్ల దేవుని దయ వచ్చి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నదని ఒకటి ఉంది. దాని ప్రకారం ఈ ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. మొత్తం తెలంగాణలో మంచి వర్షాలు కురవాలని ఇవాళ మౌలానా గారు ప్రార్థన చేశారు. దేవుని దయ వల్ల మంచి వర్షాలు కురిసి మనమందరం సస్యశ్యామలంగా మంచిగా ఉండాలని ఇక్కడ ప్రార్థన చేయడం జరిగింది, దేవుణ్ణి కోరడం జరిగింది. బడీ ఖుషీ కి బాత్ హై కి ఆజ్ హమారే తెలంగాణా మే జో బారిష్ కా జో టైమ్ హై వో ఇన్ టైమ్ బారిష్ నా హోనే కి వజహ సే యహాన్ తమామ్ హమారే వరంగల్ కే జితనే మైనారిటీస్ హై ఔర్ ముస్లిమ్స్ హై ఇన్ సబ్ కే దిలో కే అందర్ ఏ ఖాయిష్ పైదా హుయీ कि अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हम दुआ करेंगे हमारे तेलंगाना के अंदर बारिश होने के लिए, बल्कि पूरे हमारे मुल्क भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बारिश होने के लिए. सब ने मिलकर बड़े हिज्ज़ के साथ, एतराफ़ के साथ और बड़ी नदामत के साथ जो है हमने दुआ की है हमारा तेलंगाना वो बारिश से अच्छा लहलहा उठे और अच्छी से अच्छी बारिश हो, और यहाँ हमारे जो फार्मर्स है और हमारी जो ज़िराअत करने वाले हैं और हमारे पीने के पानी का जो मसला है, हमारे तालाब भी खाली हो गए और हमारी जो मशहूर जो नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा वो भी खुश्क हो गई, उनके अंदर भी पानी नहीं है. नागार्जुना सागर डैम वो भी खाली हो चुका है, और इसी तरह जितने भी डैम से हमारे वो सारे के सारे खाली हो चुके हैं. अगर बारिश नहीं होगी तो इससे सभी लोग परेशान होंगे और सभी लोगों को तकलीफ़ होगी. तो हमने बारिश के लिए दुआ मांगी है, इंशाल्लाह हमारी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी और हमारा तेलंगाना और हमारा पूरा मुल्क भारत उसको अच्छी बारिश मिलेगी. हमारे सारे दरिया वो बारिश से लबरेज़ होंगे और हमारे तालाब भरेंगे और हमारी जितने बावलियाँ और हमारे वेल्स हैं वो भी सारे के सारे लबरेज़ होंगे, और इंशाल्लाह यहाँ के लोग बड़े खुशहाल होंगे और अच्छी जो है फसल होगी, अच्छी ज़िराअत होगी और सब लोगों को जो है खुशियाँ मिलेंगी. जब तक है दिल सवाली रहे, हाथ में रोजे की वो जाली रहे, दिल मेरा जिक्र से ना खाली रहे. रहमत हक यही महीना है, दिल जो हो जाए वक्फ इश्क रसूल, उस पे होता है रहमतों का नजूल. जान ले जिससे हो गई कोई भूल, रहमत हक यही महीना है. दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान,
बरकत है सिमटती नहीं, जितनी बांटो मगर ये घटती नहीं, बदलियां उस अता की छटती नहीं, रहमत हक यही महीना है, ये सना खानिया ये हम दो दुरूद, ये इबादत ये रकू व सुजूद, देखो हम सब हुए हैं एक वजूद, रहमत हक यही महीना है, दिल दिल रमजान, 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 अल्लाह का एहसान, दिल दिल रमजान, शाने नज़ूल कुरान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। खबरें और तेलुगु उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के साथ साथ आप देखते रहे एंटरटेनमेंट शो, पॉलिटिकल पंच, क्राइम न्यूज और आवाम के मसाइल के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इस चैनल को टीवी के साथ साथ दुनिया के कहीं भी कोने से कभी भी आप लॉग इन हो सकते हैं लाइव www.tv11live.com और यूट्यूब पर जाकर TV11 न्यूज एंटर करिए और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखिए। तो नाज़रीन, मैं हूँ सैयद हबीब, अब मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।